हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मोटू पतलू कार्टून वीडियो को दूसरे के चैनल से उठाकर अपने चैनल पर अपलोड करके यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि मैं इस तरीके की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करूं लेकिन मेरी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम्स ना दे ना ही मेरे चैनल पर स्ट्राइक दे, तो दोस्तों इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में आपको जो भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक ऐसे यहाँ पर यूनिक ट्रिक को बताना है जिस ट्रिक से फ्रेंड्स आप इस तरीके की मोटू पतलू कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर सिंपली कॉपी पेस्ट करके फिर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करके यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। गाइज, यहाँ पर 100% रियल ट्रिक है। तो गाइज, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए। और फिर यहाँ पर आपको इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके की कॉपी पेस्ट वर्क को आपके ऊपर करना है, वरना दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपी क्लेम्स आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर मोटू पतलू कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करना है फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे वीडियो में आपको जो भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको उसको अच्छे से फॉलो करके आपको यहाँ पर इस कॉपी पेस्ट वर्क को करना है। सो गाइस, इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, आपको अगर अपने चैनल पर मोटू पतलू कार्टून वीडियो को अपलोड करना है और फ्रेंड्स आप ये भी चाहते हो कि मैं इस तरीके की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करूं लेकिन मेरी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स ना है, सो गाइस इससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर गलती क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, बहुत से लोग यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो इनके ऑफिशियल चैनल से जो इस तरीके के मोटू पतलू कार्टून के एपिसोड आते हैं फ्रेंड्स, उनके चैनल से वो डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वो अपने चैनल पर जाकर डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप इस तरीके से अपने चैनल पर अपलोड करोगे तो फ्रेंड्स इसमें आपका क्या लगा फ्रेंड्स, इसमें आप तो बस यहाँ पर इनके चैनल से उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, बाकी इसमें अपना कुछ इसमें ऐड ही नहीं किया, तो फ्रेंड्स इस वजह से आपका यहाँ पर वीडियो अगर यहाँ पर मैच होगा फ्रेंड्स उनकी वीडियो से, तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो पर कॉपीराइट ओनर आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स दे देगा और फ्रेंड्स इसी वजह से आपके चैनल पर स्ट्राइक भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपका चैनल भी टर्मिनेट हो जाएगा। सो गाइस, इससे बचने के लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो इस गलती को नहीं करना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरे के चैनल से यहाँ पर डायरेक्ट जो इनका ऑफिशियल चैनल है फ्रेंड्स, आपको वहाँ से इनके वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपने दिमाग का यूज करना है और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने वैल्यू को इसमें ऐड करना है फ्रेंड्स, आपको अपने तरीके से इनके वीडियो को लेकर फ्रेंड्स उसको बनाना है और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस तरीके से इनके वीडियो को फ्रेंड्स आपको बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करना है, ताकि दोस्तों यहाँ पर सिमिलर यहाँ पर नॉलेज है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर सेम टू सेम इनके वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो पर कॉपी क्लिम्स आएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप उसमें अपनी तरफ से उसमें कुछ अदर यहाँ पर ऐड कर देते हो, कुछ अलग यूनिक बनाकर फ्रेंड्स अपने चैनल पर इनके वीडियो को यहाँ पर अपलोड करते हो, तो फ्रेंड्स आपको कॉपीराइट ओनर नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से उनका वीडियो यहाँ पर आपकी वीडियो से मैच नहीं करेगा, तो फ्रेंड्स जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैसे अपनी वीडियो को यूनिक बनाना है, इनकी वीडियो को लेकर फ्रेंड्स कैसे आपको अपने चैनल पर अपलोड करना है फ्रेंड्स, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर इस गलती को नहीं करना है और फ्रेंड्स इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैंने आपको यहाँ पर गलती बताया फ्रेंड्स, इसी गलती को काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहले कर देते हैं, जिनकी वजह से उनकी वीडियो को कॉपीराइट क्लेम्स आ जाता है और फ्रेंड्स बाद में आकर परेशान होकर यहाँ पर सर्च करते हैं कि आखिर मैं मोटू पतलू वीडियो को अपने चैनल पर कैसे अपलोड करूँ, यहाँ पर इस तरीके की वीडियो को यहाँ पर सर्च करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आपको गलत इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, जिनकी वजह से फ्रेंड्स उसके बाद भी फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने चैनल पर यहाँ पर अपलोड करते हो तो फ्रेंड्स उसके बाद भी आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको जो भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इसको यहाँ पर अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स 100% नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे अदर यहाँ पर आपको ऐसे चैनल्स मिलेंगे जो कि यहाँ पर मोटू पतलू कार्टून वीडियो के एपिसोड को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चैनल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर मैं इनके ऑफिशियल चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो कि इनके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर आपको अदर चैनल दिखाई देंगे जिस पर कि दोस्तों मोटू पतलू कार्टून वीडियो को एपिसोड अपलोड होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इनके वीडियो पर इनके चैनल पर यहाँ पर देख सकते हो मोटू पतलू कार्टून के वीडियो अपलोड है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इन्हीं तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस कॉपी पेस्ट वर्क को करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देख सकते हो कि जिस तरीके से अपने चैनल पर मोटू पतलू कार्टून वीडियो को अपलोड किए हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्टेप को फॉलो करके आपको यहाँ पर इस वर्क को करना है। अब यहाँ पर एक क्या ट्रिक लगाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी एक चैनल्स होते हैं जो कि इस तरीके की वीडियो को अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया है फ्रेंड्स उसी तरीके से यहाँ पर अपलोड होते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये डायरेक्ट अपने चैनल पर अपलोड नहीं करते हैं फ्रेंड्स, उसमें ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसमें एडिटिंग करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके वीडियो को लेकर उसमें एडिटिंग करते हैं, उसके बाद ही अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पर एडिटिंग करना होगा, आपको वहाँ पर उसको थोड़ा सा यूनिक बनाना है, तभी दोस्तों आप इस तरीके की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स आप इसको कैसे यूनिक बना सकते हो, इसमें आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पर भी एक फुल डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आपको जाकर उस वीडियो को देख लेना है।
अगर आपको नहीं पता है कि इस तरीके की वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, कैसे हम उसको यूनिक बनाएंगे जिसकी वजह से आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स ना नहीं आएगा, तो फ्रेंड्स इस पर भी मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आपको जाकर उस वीडियो को देख लेना है। फ्रेंड्स उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फ्रेंड्स आप वहाँ पर डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, वरना आप मेरे चैनल पर भी जाकर आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारे मोटू पतलू की वीडियो आपको वहाँ पर अपलोड करने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि फ्रेंड्स आपको किस तरीके से मोटू पतलू मैं आपको वहाँ पर एडिट दिखाया हूँ। फ्रेंस आप वहाँ पर जाकर पता कर सकते हो कैसे आप यहाँ पर मोटू पतलू वीडियो को आप यहाँ पर लेकर फ्रेंड्स उसमें आप एडिटिंग करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और बाकी इस वीडियो में आपको जो भी यहाँ पर बताया हूँ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर उसको अच्छे से फॉलो करके आपको यहाँ पर इस कॉपी पेस्ट वर्क को करना है। अगर यहाँ पर इस गलती को करते हो तो फ्रेंड्स आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स आएगा ही। फ्रेंड्स आप यहाँ पर चाहे कितना भी कोशिश कर लें। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से अब आपको पता चल चुका होगा कि फ्रेंड्स आप किस तरीके से यहाँ पर मोटू पतलू कार्टून वीडियो को आप दूसरे के चैनल से लेकर अपने चैनल पर अपलोड करके यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।